अलगूम नाजरन प्रोग्राम टैक्स रोह के साथ मैं हूँ हफ्ल यब्बी नाजरन आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे पंजाब रेवे अथार्टी के मसाइल को और परफार्मेंस को लाहौर में पी आर ए की परफार्मेंस क्या है और लाहौर से बाहर जो डिवीज़न है पंजाब के उनमें परफार्मेंस क्या है आज खास तौर पर हम गुजरात को डिस्कस करेंगे गुजराम वाले से आज पंजाब रेवन्यू अथार्टी के एडिशनल कमिश्नर जकावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर आपको खुश आमद कहते हैं अपने प्रोग्राम में गुजरात टैक्स बार के सदर तबारक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं सर खुश आमद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आपको उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली साहब आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के सीनियर चार्ट अकाउंटेंट हैं माहिर टैक्समूर हैं नाजरीन इससे पहले कि मैं अपनी गुफगू का आगाज़ करूँ माहरी सवाल इसका कहते हैं उनकी राय जानते हैं गारे में कुछ इशूज़ कुछ डिफरेंट सर्विसज़ के ऊपर इशूज़ आ रहे हैं जैसा कि हम एक सर्विसज़ प्रोवाइडेड टू रेंट कार हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक इन्होंने एक दिया हुआ है कि फाइव परसेंट चार्ज करते हैं विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स सिक्सटीन परसेंट में हम करते हैं एडजस्ट करते हैं इनपुट टैक्स अगर वो फाइव परसेंट हम वो हम उनसे चार्ज करते हैं तो जो हमारा इनपुट टैक्स एडजस्ट है वो नहीं होगा इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होगा तो हमारा डीजल है ऑटो पार्ट्स है वो हमारा ज़ाया हो जाएगा ये एक जो है ना बहुत बड़ा जो एक जो है ना एक हमारे लिए और सब के लिए एक इशू है कि पिन कोड के हवाले से बात करते हैं जिस तरह एफ बी आर में हम पिन कोड को ख़ुद से एक टैक्स पेयर जो है ना चेंज कर सकता है तो इसी तरह हम ये पी आर ए में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर पिन कोड किसी तरह से मिसप्लेस हो जाता है या मिसप्लेस मतलब किसी भी हवाले से अगर है हो गया है तो उसको चाहिए कि पी आर को कि उसमें कोशिश करें कि उसको जो है ना ख़ुद से टैक्स पेयर चेंज कर सके जो सर्कुलर और जो लॉ है जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और जो डिपार्टमेंट है पी आर ए वो वो काम किए जा रहा है विदाउट कंसिडरिंग द अवेलेबल लॉ और दूसरा हम टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने अदारे को टारगेट ही दिया हुआ है टारगेट के साथ इनको चाहिए कि फैसिलिटेशन भी उसमें क्योंकि अवा, उसमें अवामी फैसिलिटेशन भी हो और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कानून को अकॉर्डिंगली जो नीड ऑफ द डे है उसके मुताबिक उसको ढाले और उसके मुताबिक अमेंड करें और कवानी अपनी जगह कलेक्शन अपनी जगह लेकिन हार्मोनाइजेशन जो है बिटवीन टैक्स पेयर कलेक्टर और इवन बिटवीन प्रोविंसेस ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इन ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए हमें फ्यूचर में और प्रेजेंटली काम करना है अपने सिस्टम को एफ बी आर के साथ ऐसा लिंक किया जाए ताकि बेहतरीन किस्म की फैसिलिटीज़ हमाम को मिल सकें कुछ रिलीफ मिल सके और जो लोग ऑलरेडी टैक्स गुजार हैं जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको कोई सुख का सांस मिले और जो है वो कहें कि जनाब हम टैक्स पेयर हैं और आप लोग नॉन टैक्स पेयर हैं इसलिए आपके साथ वो मामलात नहीं है जो हमारे साथ मामलात हैं जो हमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे भी वैक्सीन की बात हो रही है तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं पी में हों एफ में हों या किसी भी हवाले से वो हों तो वैक्सीन उनकी फ्री होनी चाहिए उससे जाके पूछा जाए कि भाई आपको कोई मसाइल हैं तो यहाँ तो वो बेचारा तरस जाता है अपना रिफ़ंड लेने के लिए वो रिफ़ंड अप्लाई करता है तो उधर से उसे ऑडिट का नोटिस आ जाता है तो कंसल्टेंट भी बेचारे रिफंड अप्लाई करने से गुरेजा रहते हैं कि जनाब यहाँ तो रिफ़ंड लेने के लिए बड़े मसाइल हैं तो आपके चैनल के थ्रू हमारी इल्तमास है कि इसको ज़रूर गौर किया जाए कि लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जकाला साहब आपको माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया गुजरा वाले में जब पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी ने वहाँ स्टार्ट लिया था जैली ऑफिस बनाकर जब क्या सूरत हाल थी और अब क्या है जी सबसे पहले मैं टैक्स और बेहद मशहूर हूँ कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है ये प्लेटफॉर्म सर आपका है तो हम अपने इदारे की जो परफार्मेंस है जो प्रोग्रेस है और जो हमारी ग्रोथ है हम टैक्स पेयर को आपके तौर से आपका प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए बताएं जैसा कि आपको पता है कि पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर था शुरू में 2012 से लेके से तक हम लाहौर बैठ के पूरे पंजाब को कंट्रोल कर रहे थे जी जी तो पंजाब गवर्नमेंट के सी एम साहब की डायरेक्शन पे और तो जो हमारे चेयरमैन हैं जैन साहब साहब उनकी डायरेक्शन पे 2015 में हमने चार जगहों पे कमिश्नरेट बनाए ठीक है जिसमें एक कमिश्नरेट जिसकी मैं नुमाइंदगी रहा हूँ जी ये जी। जुलाई 2015 में बना था ठीक है और जब जुलाई 2015 में बना था तो उस वक्त इसकी जो टैक्स पेयर पॉपुलेशन थी सिर्फ फाइव हंड्रेड थी फाइव फाइव हंड्रेड ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूँ दो हजार पंद्रह में जब हमने फर्स्ट टाइम ऑफिस ओपन किया जी जी तो हमारी टैक्स पॉपुलेशन थी ठीक थी और जो मंथली कलेक्शन थी वो 10 से 15 मिलियन के रेंज में फॉल कर प्लस हो गई है ठीक है जिसमें हमने जो रेगुलर टैक्स पेयर है, है।, है तरह आप समझते हैं फॉर्मेलिटीज तो करके उनको अपने सी आर नंबर जिसको हम कम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो हमारा दो हज़ार तेईस है ठीक है तो टिल टू डे आज जो कलेक्शन हमारी जा रही है वो पर मंथ की वो हंड्रेड एक सौ सो सोलह मिलियन पर मंथ एवरेज होगी यानी कि दस मिलियन से एक सौ सो सोलह पे सो सोलह पे होगी जबरदस्त लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट था ठीक है लास्ट ईयर आपको याद होगा कि बाईस मार्च को कोवर लगा था जी जी तो जो हमारा लास्ट क्वार्टर था जो फाइनल क्वार्टर होता है ठीक है वो नेगेटिव होने के बावजूद हमने वन बिलियन किया था 1.6 तो uh, जी जी। तो के ये गुजरा वाला बारह सौ साठ टू बिलियन कलेक्शन हो चुकी है। ठीक, तो हम है ठीक है बारह सौ मिलियन कहते हैं ठीक है इस वक्त जो हमारी ग्रोथ आ रही है गुजरा वाला की कमिश्नेट की वो अराउंड कोई ट्वेंटी परसेंट आ रही है जबरदस्त और अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा थोड़ा सा सेटबैक होगा लेकिन इस साल का जो हमारा टारगेट है हमारे कमिश्नर साहब हैं अली मंसूर साहब जी जी और तो चेयरमैन साहब की स्पेशल डायरेक्शन है विदाउट एनी हरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर ठीक तो है हमको कॉन्फिडेंस के साथ हम भी इन शाला दो बिलियन का टारगेट इस साल अचीव करेंगे गुजरात गुजरात अच्छा ये गुजरा वाला साहिवाल सरगोदा फैसलाबाद मुल्तान और रावलपिंडी सबसे ज़्यादा जिले ऑफिस में आप गुजरात से टैक्स वसूल हो रहा है ज़्यादा ज़्यादातर टैक्सपेयर अगर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देखा जाए परसेंटेज तो गुजरा वाला ज्यादा है ठीक है अगर कमिश्नरेट का लेवल चेक किया जाए तो पिंडी कमिश्नरेट है वहाँ चूंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर है और बड़े यूनिट्स हैं इसी तरह मुल्तान हमारा कमिश्नरेट वाइज देखा जाए तो मुल्तान और पिंडी हमारे बड़े कमिश्नरेट हैं ठीक है गुजरावाला सरगौदा फैसलाबाद कमिश्नरेट ये एक पार हैं तीनों इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गुजरा वाला की जो कलेक्शन है वो अच्छी जा रही है ठीक है जका साहब तबारक साहब के पास जाने से पहले एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा फेस आपको मसाइल में करना पड़ता है टैक्स पेयर को कन्वेस करने के लिए वो क्या है गुजरा वाले में असल में देखें ऑन ग्राउंड जब हम टैक्स पेयर को टच करते हैं तो हमारा ही जो अदारा है उसका मेन मोटिव है कि हमने जो टैक्स लेना है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पहले देखनी ठीक है प्रो रेवन्यू हम हैं ठीक है और तो हमारे सीनियर्स की हमें डरेक्शन है है। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इस वक्त जी जी। कमिश्नर हैं हमने विदाउट हरासमेंट जी एक्सपेयर जी। को बगैर किसी आ, खौफ के, खौफ के जी जी। हमने उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके हम उसे टैक्स लेना है ना कि हरासमेंट के ठीक तो है मैं ऐसा जो रूटीन के चूंकि फार्मेटी फेज में हम जा रहे हैं ठीक है आ, सिर्फ सिर्फ जो मैं समझता हूँ बीगे टैक्स कलेक्टर हमारे जो एच आर के इशू हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं वो थोड़े से हैं वक़्त के साथ साथ वो भी बेहतर होगा इसमें पाँच हजार जो आप टैक्स पेयर कह रहे हैं इसमें विद होल्डिंग एजेंट्स कितने हैं जैसे आप विद होल्ड करते हैं विद होल्डिंग एजेंट इस वक्त जो गुजरा वाला के हैं जिसको हम कंपनी और पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग कहते हैं वो तकरीबन तो कोई हंड्रेड के करीब हैं एक सौ प्लस माइनस करके होंगे ठीक एक है जी जी ग्रोथ जो है वो दोनों सेक्टर्स में हो रही है ठीक है कोविड की वजह से आपकी जो रेगुलर सर्विसेज हैं जी जी चूंकि बिजनेस उस पार पे नहीं है जिस तरह पहले था लेकिन हमारी जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज सेक्टर और जो हम प, पब्लिक सेक्टर कहते हैं दोनों जी है। में ग्रोथ हो रही है बिल्कुल ठीक है तबारक साहब जिस ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस की बात की ज़कावल्ला साहब ने आप समझते हैं वाकई ये जो दौर जा रहा है पाकिस्तान तहिक इसाफी हुकूमत जा रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा है हुकूमत का वो पूरा हो रहा है या सूबाई अथार्टीज़ या एफ बी आर उस नारे पर अमल पैरा है देखिए कुछ प्रपोशन आप कह सकते हैं कि प्रपोशनीटली जो है ना ऐसा है लेकिन अदरवाइज अगर कहें कि नहीं जी टोटलिटी आ... में तो ऐसा नहीं है अब अगर दो इतारे हैं हमारे लेट्स से एफ पी आर और पी आर जी, 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 जी में जी. मैं अगर करूँ तो पी आर ए के हवाले से और उसका ये नहीं है कि अब जका साहब तशी फरमा है तो मैं इसलिए ये बात यह करने लगा सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को नॉलेज करूँगा कि चूँकि तो अलहमद्ला मैं गुजर अला बेस्ट हूँ काफ़ी साल से इसी शुभ से वजह जक़ात साहब जब ट्रांसफ़र होके आए हैं हमारे गुजरात कमिश्नरेट में और बड़ी ड्रास्टिक किस्म की अलहमदिल्ला ग्रोथ हुई है टैक्स टैक्सपेयर्स केवाले से पोटेंशियल टैक्स टैक्सपेयर इन्होंने पकड़े हैं गुजरात पांच स... खाली इन्होंने वो नहीं पकड़ा जैसे अब मैं थोड़ा सा भी कर सा थार था। थार तक टैक्स टैक्स चला इसका मतलब मौजूद है गुजरात दो क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ मार धार हैरसमेंट के जनाब पकड़ लो धकड़ लो मारे गए पकड़ लो जनाब छापे पाट गए सारा कुछ हो गया बड़े तरीके के नीने से चले इन्होंने जो मुख्तलिफ एसोसिएशन थी उनको ऑन बोर्ड किया कि जी ये चीज़ है ये टैक्स अब आ गया है ये आप लोगों को देना चाहिए या आप लोगों ने देना है और उनको कन्विंस किया उनको साथ लेके चले एसोसिएशन ने फिर अपने जो मेंबर्स थे उनको उन्होंने मुख्तफ जो एसोसिएशन थी मैरिज हॉल एसोसिएशन है जो ड्राइवर्स के एसोसिएशन उन्होंने फिर आपने उनको कायल किया मतलब बड़े तरीक़े के साथ इन्होंने मैं इस बात पर इनको बहुत मतलब मैं इनकी इन हिस्ट्रीज़ को एक्नोलिज भी करूँगा चाहे एक पॉलिसी मैटर इनको अपने बड़ों से मिली थी ये अपर लेवल से लेके चले लेकिन जैसे आके इन्होंने गुजा लोगों को संभाला इनके आने से पहले मुझे पता है थोड़ा सा गुजा अला कुछ माहौल कुछ खराब हुआ हुआ था लेकिन जब ये आए हैं माशा पहलवानों को शहर मैं कहता हूँ जी क्या बात प्यार, प्यार से तो आने वाले नहीं थे वो इन्होंने बड़े प्यार से तरीके से ये इनका बड़ा तरीका वारदात माजरत के साथ जी ये ना बुलाते थे मुख्तूसियों के सदूर को बुलाते थे अपने ऑफिस में बड़ी नफीस उनको चाय वगैरह पिलाते थे बड़े अच्छे माहौल में आ, मीठी मीठी बातें करके मनमोनी कर, करके उनको जनाब कायल करते थे कि जनाब ये को टैक्स फिक्स दें मैं इसको अप्रिशिएट करता ये अच्छा, ये सारा इन, इन इनकम टैक्स भी अदा करता है जी सारी ड्यूटी भी देता है कस्टम ड्यूटी भी देता है सेल टैक्स भी देता है सारे टैक्स देने के बावजूद वो पंजाब को भी सर्विस की सूरत में टैक्स अदा कर रहा है हाँ जी वफाक तो चलो मानते हैं कोई सही तो तालीम में कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन पंजाब जो हुकूमत है वो टैक्स पेयर को क्या कुछ दे रही है क्या ये आपका आ, आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीने मैं ये बात कहूँगा ये मैं सोच के बैठा था जब ये फिगर्स बता रहे थे ना जी जी कि जी इतने मिलियन हो गया और इतने बिलियन हो गया तो मेरा दिल था कि जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं भाई से पूछूंगा कि ये इतने मिलियन बिलियन जो आप बता रहे हैं ये आवाम पे कहाँ खर्च हो रहा है कि जो जिम्मेदारी है, ना कोई कुछ तो कुछ जिम्मेदारी हो ना नज़र आती हो कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन हम बोलते हैं कि जी टैक्स को हम लोग पे कर रहे हैं वो शुपे हम लोग दे रहे हैं चाहे वो होल्डिंग व में जा रहा है या कोई जिस तरह से भी जा रहा है डायरेक्टली जा रहा है इंडायरेक्टली जा रहा है लेकिन मुझे आप ये बताएं कि वो आपको बिल्कुल इम्पार्शली मैं मतलब इसको को एक पॉलिटिकल रंग आज के इस बैठक को नहीं देना चाहता मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दे दें कि इतने मिलियन बिलियन सारे जो हैं आपको किधर लगे हुए नजर आ रहे हैं ये आपका मुझसे सवाल नहीं ये मेरा है मेरा आपसे सवाल और चौदह सौ अरब वैसे गर्दिशी कर्जा पंजाब को हुकूमत के ऊपर है वही है जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो सेहत की सूरत में दे रहे हैं तालीम की सूरत में दे रहे हैं वो कुछ नज़र तो आना चाहिए वही तो एतमाद तो असल में जा अगर किसी का हासिल करना हो उसको दिखाना पड़ता है मैं ये आपके लिए कर रहा करूँ सड़कें बनाना या सेहत का निज़ाम ये सारे हुकूमत के काम है लेकिन ये कह वो कहती है वफाक हम करते हैं पंजाब हुकूमत फिर क्या करती है वही तो मैं पूछना रहा था वो किसरा कन्वेस किसरास ये मेरा भी सवाल है करेंगा? इस सवाल में मैं आपके साथ हूँ और मुझे भी इसका जवाब चाहिए चाहिए हसन अली कादरी साहब आप बेहतर क्योंकि एफ बी आर को सेवनटी थ्री या सेवेंटी फोर जो ईयर्स हो चुके हैं वो टैक्स बी टी बी पे काम करने की बजाय मौजूदा टैक्स पेयर को टारगेट करता है हर साल टारगेट पूरा करने के लिए लेकिन कुछ अरसे पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी भी इसी पे डगर पे है मौजूदा टैक्स पेयर को बार बार नोटिस किया जाए बार बार उनको टच किया जाए ताकि टारगेट पूरे किए जाएँ तो आप समझते हैं कोई ऐसी सूरत हाल है और दूसरा जैसा तबरक साहब ने हम बात डिस्कस किया कि आवाम को जो टैक्स पे तमाम टैक्स अदा करके पंजाब हुकूमत को टैक्स भी अदा करे तो उसको क्या बेनिफिट होना चाहिए और कोई नज़र आती है कोई चीज़ एवी साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपने जो सवाल किया है बड़ा ही रेलिवेंट है लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ही कहना चाहूँगा क्योंकि दो सवाल आपने किए एक तो आपने कहा कि जी ये जो टैक्स लेते हैं और बार बार नोटिस करेंट टैक्स पेयर को देते हैं तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी जी और दूसरा आपने सवाल किया कि जनाब जो आपका बेनिफिट तो नजर है वो क्या होना चाहिए तो, तो देखें यहाँ तक नोटिस का सवाल है ना हज़ूर तो उसमें गुजारिश ये है कि आप नोटिस तब डालें जब आप मुझे मुजरम ठहरा सकें मेरा पी आर ए से गिला क्यों नहीं है क्योंकि पी आर ए टैक्स बेस बढ़ाने के लिए उन लोगों को नोटिस डालता है जिन्होंने टैक्स देना होता है जिनके लिए ज़रूरी होता है कि वो टैक्स दें और वो जिम्मेदार होते हैं टैक्स देने के लेकिन मेरा एफ बी आर से गिला इस वजह से है कि मेरा एक टैक्स पेयर जो इम्पोर्ट की मद में करोड़ों रुपया टैक्स देता है उसको ना आप एग्जम्पन देते हैं उसका आप ऑडिट भी करते हैं उसका आप सब कुछ करते हैं आप नोटिस देखें मेरी बात सुने मैं बींग अ कंसल्टेंट जो हमारे कंसल्टेंट टैक्स पार्स के हैं चाहे वो लाहौर टैक्स पार के हों गुजरा वाला टैक्स पार के हों जैसे तबारक भैया पे बैठे हुए मैट लाइक सीजन कंसल्टेंट हैं और माशाला सदर हैं गुजराव टैक्स बार के मेरी बात को सेकेंड करेंगे कि देखें टैक्स बार कभी भी जो है ना सर वो किसी टैक्स पेयर की राइट को दफा करती है टैक्स चोर की राइट का दिफा नहीं करती है। भी भी हम टैक्स चोर की राइट का दिफा नहीं करते सर हमने आपको नहीं कहा कि लोगों को प्रोब ना करें आप करें प्रोब लेकिन आप फिर साबित क्यों नहीं कर पाते मुझे इस चीज़ का कोई जवाब दे कि एफ बी आर के अंदर जब अपील स्टैंड विद नहीं कर पाती बिलियंस ऑफ़ रुपीज़ की मिलियंस ऑफ़ रुपीज़ की तो वाई दे आर नॉट अकाउंटेबल उनसे आप क्यों नहीं पूछते क्या किसी अफसर ने किसी से पूछा है अफसर से किसी ने पूछा है कि भाई तुमने 500 मिलियन एक टैक्स पेयर को टैक्स लगा दिया तो उसके बाद अपील में जाके जब वो स्टैंड ही नहीं कर सका तो तुम्हारी क्या परफॉर्मेंस है जो उसने की जो अगर थी कोई मुजरम है तो यू शुड बी एबल टू प्रूव दैट आप उसको प्रूव करें आप बताइए कि हाँ जी वो मुजरिम है उसको टैक्स देना था रही बात पी की तो देखें इनका ये है कि इन्होंने माहौल बड़ा अच्छा किया हुआ है जैसे अभी तबारक भाई ने कहा इनकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि कोई छापा नहीं है कोई मारा मारी नहीं है उसमें ये क्या करते हैं कि सबसे पहले अवेयरनेस देते हैं एफ में और पी में एक वाज़ फ़र्क ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस पी आर ए का ये है कि देखें वो मीटिंग्स बुलाते हैं वो डिस्कस करते हैं जैसे जका साहब ने भी बात के हाले से उन्होंने बात की इसी तरह जो पॉलिसी पे और फ्रॉम डे वन चाहे इफ्तार कुतुब साहब हों चाहे जैन साही साहब हों चाहे डॉक्टर रही अहमद सिद्दीकी साहब हों जितने भी पी आर ए के चेयरमैन गए हैं उनका देखें कल्चर स्टार्ट फ्राम द टॉप और कल्चर उनका यही था कि वो कहते थे कि जी आप आए हमारे साथ बात करें हमारे साथ डिस्कस करें हम आपको हरास नहीं करना चाहते लेकिन हज़ूर बात यह है कि मुल्क को टैक्स चाहिए और टैक्स कॉस्ट ऑफ़ सिविलाइजेशन है बड़ी प्यारी बात की है लेकिन देखें इसके साथ साथ जो दूसरी बात है अगर कॉस्ट ऑफ़ सिविलाइजेशन है तो सिविलाइजेशन कहाँ जा रही है ये भी सोचने की ज़रूरत है ठीक है और देखें बेनिफिट्स की जहाँ तक बात है पंजाब हुकूमत की अगर हम बात करें तो देखिए मदद के साथ ये बात थोड़ी सी शायद आप इसको कोई पॉलिटिकल रंग दे दें लेकिन उसूली एक बात करूंगा कि पाकिस्तान टैक्स बार ने ये बात कही थी कि जनाब आप करोना टैक्स लगाएं ठीक है आप करोना की मद में लोगों से टैक्स मांगे जब आप, आप आई डी पी टी टैक्स ले सकते हैं तो आप टैक्स लें आप क्या समझते हैं कि क्या मसाइल जो है वो चंदा लेके हल होंगे मसाइल माजरत के साथ चंदा लेके हल नहीं होते हैं जी जी मसाइल टैक्स के जरिए हल होते हैं जब आप टैक्स को प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं प्रॉब्लम ये नहीं है देखें साहब ब्रेक का का ब्रेक ब्रेक से बाद आप आपकी गफ्तु यहीं से जारी रखेंगे अगर टैक्स लिया जाए तो जितने टैक्स पेयर अब फौत हो रहे हैं या कोरोना की वजह से जिनको मसाइल हो रहे हैं इनको पहले फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए थी हुकूमत को इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी पंजाब हुकूमत को भी और वफाक को भी खासतौर पर टैक्स पेयर को छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मरसा रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जी हसन साहब अच्छा ये भी साहब जैसे आप बात कर रहे थे ना कि जी जैसे एफ बी आर का है और पी आर ए का है तो उसमें देखें चीज़ ये है कि पी आर ए जो है ना एक मनज़म इदारा है इनका अपना लॉ है एक लॉ पी आर ए का ख़ुद कंस्ट्रक्ट किया गया प्रॉपर सोच विचार के साथ किया गया और सबसे अच्छी बात जो की गई वो ये थी कि टैक्स पेयर को पार्टनर समझा गया टैक्स पेयर को बुलाया गया देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या था अगर आप उसको पढ़ें तो वो ये था कि जी टैक्स पेयर पार्टनर है और पार्टनर इस सेंस में है कि जनाब वो आपको टैक्स देगा और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ़ जाएगा कि इन एसेंस नहीं हो रहा और ये असल जो है ये जो है बात अगली जो है ये गलत है अगर देखा जाए असल में जिस तरह सुबह थर्टेज यहाँ पे एक अपना टैक्स बंदा अदा कर रहा है के पी के में भी अदा कर रहा है सिंध में भी अदा कर रहा है तो अगर जब इनपुट का एडजस्टमेंट की बात आती है तो फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं कि ये तमाम को इकट्ठा नहीं किया जा सकता देखिए बिल्कुल किया जा सकता है और इस पर जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक जो अब नेशनल टैक्स काउंसिल बनी है वो इस पर काम भी कर रही है लेकिन देखिए इस पर मैं ऐसी तौर पर समझता हूँ जो मैंने देखा है मैं इसमें थोड़ा सा मदद के साथ यहाँ पे एस आर बी वाले मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनको इस चीज़ का ठहराना चाहूँगा कि जी वो एस आर बी ने काफ़ी ज़्यादा क्योंकि मुझे याद है मैं खुद आपको याद होगा टैक्स और आवाम के तवसत से डॉक्टर रही सिद्दीकी साहब का मैंने इंटरव्यू किया था एक अरसे पहले की बात है तो एस आर बी ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट रिस्ट किया था जब हारमोनाइजेशन की बात आई थी तो इसमें पी आर ए का नहीं है लेकिन देखें तमाम जितनी भी बाकी जो सूबाई अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए एक तो चीज़ ये है इसमें मैं यहाँ पे गुजारिशें करना चाहूँगा कि हार्मोनाइजेशन की तरफ जाए दूसरा ये कि जो टैक्स लॉ है जो बेसिकली सर्विसेज के हवाले से वो रैशनलाइज होना चाहिए लाइक like अगर कंस्ट्रक्शन का एक लॉ है तो पंजाब में तो कराची में भी अगर उसका कोई फ़र्क है तो वो वही होना चाहिए और दूसरा जो टैक्स रेट्स हैं उसमें गुज़ारिश है कि जैसे तेरह परसेंट पर का फ़र्क है हाँ जी डिजिट, 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 डिजिट है वो चीज़ भी एक जैसी होनी चाहिए ना सर और उसमें गुजारिश है कि देखिए मेरा ये मानना है मैं बार बार कहता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस के वाले से मेरी समझ से समझने से मैं कासर हूँ जैसे वहाँ पर होता है दुबई में होता है या यू में हमने खुद प्रैक्टिस की हुई है यू टैक्स की तो हमने देखा है कि फ्लैट रेट्स स्कीम इंट्रोड्यूस कराई गई जहाँ इनपुट का मामला नहीं था और जहाँ पे कहा गया कि जी वैल्यू एडिशन का टैक्स ले लिया जाए और उसको सिंगल डिजिट पे ले आया जाए तो ये स्कीम यहाँ पे पाकिस्तान में क्यों नहीं चल सकती ये इसका मेरा ख्याल है बेहतर जवाब तबारक भाई भी दे सकते हैं जगा साहब भी मौजूद हैं तो मैं जाती तौर पर समझता हूँ तो जो सिंगल डिजिट है उस पर जाना चाहिए मामले के तमाम इनपुट का मामला खत्म हो जाए मुमकिन देखिए एक रिटर्न में एक रिटर्न में ना एवी भाई एक रिटर्न में एक कबाहत है उसमें कबाहत यह कि देखें जो सुबह कलेक्ट आ रहा है ना उसको फिर प्रॉपरली उस तरह शायद उसका जो हक है उस तरह ना मिल सके ये एक बहुत ज़रूर है ये मैं इससे थोड़ा सा ना मैं ऐसी तौर पर इतना करूँगा उसका कोई पता नहीं निज़ाम क्या बना

अलाउड नहीं होगा किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो इनपुट की होगी वो आपको अलाउड तो नहीं होगा पंजाब हो। तो अभी तो रूल्स बने रिफंड्स का अभी तो, तो किसी को शुरू नहीं किया नहीं देखें लेकिन कम अज़ कम ये है कि देखें जहाँ तक रिफंड का मामला है ना बिल्कुल रूल्स बन गए रिफंड देना नहीं शुरू किया रिफंड मिलना चाहिए लेकिन रिफंड का येट अगेन मसला ये है कि देखिए रिफंड के लिए ना इस गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा हामी हूँ और मुझे याद है जब इमरान खान साहब ने रिफ़ंड की एक चीज़ कही थी कि जी हम रिफ़ंड दे रहे हैं तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उस वक्त जितना एग्रेसिवली हम रिफंड को लेके आए ना इनकम टैक्स रिफ़ंड के वाले से कि जी हम दे देंगे हो जाएगा ये वो तो एक्चुअली सबसे बड़ी जो गलती है ना एफ बी आर की जी जी वो ये है कि वो एक तो टैक्स लगा देते हैं और बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते हैं और जब रिफंड की बारी आती है तो इतने एग्रेसिव मोड में बताते हैं कि हम रिफंड दे देंगे कि आवाम समझती है कि सारे के सारे रिफंड जो तो है, का बात कर रहे है उसमें मदद के, बार के साथ होता, की बात होता है कि, कि होता क्या है कि कहा तो ये जाता है कि जनाब हम उस तरह का मामला नहीं हो रहा लेकिन होता क्या है कि पॉकेट आपके पास फ़र्ज़ कीजिए साठ मिलियन की रिफंड की है लेकिन आपके रिफंड डेढ़ दो सौ मिलियन के खड़े हैं तो देखिए आपको फिर उसको एक इतना एग्रेसिवली नहीं चलाना चाहिए था आप एक तरीके से उस मेकनिजम को लेके चलते रिफंड बॉन्ड्स वाला जो मामला था वो फिर कुछ प्रैक्टिकल था देखिए जो आप नहीं कर सकते वो आमाम से कमेंट आपको नहीं करते कमिट नहीं करना चाहिए तबारक साहब लाहौर आपके गुजरात टैक्स बाहर पहले तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं आप बिला मुकाबला मंतखब हुए मियाँ अब्दुलगफ़ार साहब पाकिस्तान टैक्सीडवाजर एसोसिएशन के सदर साहब की बड़ी कावश थी आपके साथ आप क्योंकि एक पुल का किरदारा अदा कर रही हैं टैक्स बार चैम्बर्स डिपार्टमेंट के साथ मिल के रेवनीू की सूरत में इतना अहम किरदार अदा करने के बावजूद भी हुकूमत की तरफ से क्या टैक्स जो टैक्स बार्स हैं उनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता दूसरा ये जो जोकूमती टैक्स पॉलिसीज़ हैं पॉलिसीज़ हैं कवानी हैं वफाकी भी और सुबाई भी आप कहाँ हैं कहाँ तजाद है देखिए सबसे पहले आ, तो जो मेरी बा, जो बातें मेरे भाई ने की मैं सर, उन सारी बातों को सेकेंड करूँगा देखिए रिफंड मैं खुद इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ ये इस तरह ही है कि आप एक पॉकेट है आपकी जो नीचे से फटी हुई है यहाँ से आप उसमें डालते जा रहे हैं नीचे से निकलता जा रहा है जी जी ठीक है और बजाय इसके कि पहले एक सारी प्रैक्टिस की जाए कलेक्ट करने में उसके बाद फिर अगली प्रैक्टिस हो होकर जी आप इसको वापस कैसे करना है तो क्या मतलब अगर ये पॉलिसी अख्तियार कर ली जाए कि उसका टैक्स रेट बड़ा आप रीज़नेबल रख लें इनपुट एडजस्टमेंट जो हमें वैसे भी नहीं मिल रही बल्कि अभी मैं शी तो से उस तरफ तो मैं थोड़ा सा ज़रा उस हवाले से करूंगा अब जैसे गुजरात में हम लोग जितने भी हमारे जो यूनिट्स हैं जी जी वापडा का अयूबी साहब और उनका जो पी आर ए का है गैपको का वो इनका इशू चल रहा है हमारे जितने यूनिट्स हैं गुजरावाला में उनको इनपुट एडजस्टमेंट जो है पी आर के वाले से जो बिजली के बिल के ऊपर टैक्स वो ऑलरेडी अदा करके आए होते हैं चूंकि उनका ड्यू राइट है जी 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 जो उनके आउटपुट टैक्स टैक्स से माइनस होना हो चाहिए हो कानूनी हक है जी जी वो उनको अलाउ नहीं होता अब वापडा उधर क्या कहता है वो रूल्स को पकड़ के बैठा हुआ है वापडा कहता है जी कि जब तक आपके बिल के ऊपर जो पी की तरफ से होता है वो पी होता है जी जी वही हमारा सेल टैक्स पंजाब आ, पी आर एस से जो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन है उसको वो कंसिडर किया जाता है वापडा वाले गैपको वाले उसको तस्लीम नहीं करते हैं तो कहते हैं नहीं एस टी आर एन लाएँ तो फिर हम आपको इसको अन सी में अपनी में अपलोड भी करेंगे आपको उसका टैक्स क्रेड भी मिलेगा ठीक है ये बहुत बड़ा मसला है गुजरा में ही हमें चूंकि बैठे हैं तो मैंने कहा अब आ, मैं थोड़ा ये इस हवाले से भी बात कर लूँ कि रिफ़ंड तो बड़ी आगे की बात है ना हमें तो अभी एडजस्टमेंट अलाउ नहीं हो रही जी सही कह रहे हैं आप तो वो एडजस्टमेंट की तरफ थोड़ा सा मैं इनकी तवज़ो मबजूल करवाऊँगा कि ये आ, मैंने इधर आना था हमारे बहुत सारे दोस्तों को बींग प्रैक्टिशनर ये प्रॉब्लम है उसमें फिर अब जब टैक्स पेयर को होता है कि ये मेरा टैक्स अगर इसमें से माइनस नहीं होना डबल टैक्सेशन है स्ट्रेटवे वे कॉन्स्टिट्यूशन किसी सूरत उसको अलाउ नहीं करता इस पर फौरी तवजो की ज़रूरत है PR की तरफ से ये एफ पी आर का ये जो भी मामला है ये 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 आपस में ये लिखें लेकिन इसको करके है। डबल हाँ, की तरफ डबल से खुदारा उनको बचाया जाए और इस तरफ जो है ना इस पे आपकी मेहरबानी जरा थोड़ा रोशनी डाल दें या इस पे थोड़ा सा जो है ना लेते हैं जी शुक्रिया जी तबारक भाई का कि इन्होंने ये पॉइंट रेज किया है ये एक वैलिड पॉइंट है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वजाहत कर दूँ आपका प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए माध्यत के साथ कि हम जो कह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन है जी जी। डबल टैक्सेशन नहीं है पहली बात तो ये है अच्छा वो डबल टैक्सेशन ये है कि हो चुका है सिर्फ ये एडजस्टमेंट का इशू है ठीक है और मैं आपका प्लेटफार्म इस्तेमाल करते हुए हमारे लर्नर ब्रदर हैं तबारक साहब तो इनके नॉलेज के लिए चूँकि ये मैसेज अदारे की तरफ से जाएगा जो कंपनीज़ हैं और ए हैं उनके पी एन टी ऑलरेडी सिस्टम में फीड हैं ठीक है इस वक्त जो हमारा इनपुट का एडजस्टमेंट का है कोई इशू अथॉरिटीज़ का ऐसा ना फेडरेशन के साथ है ना अथॉरिटीज के साथ है ठीक है इशू ये है कि स्ट्राइव चल रहा है स्ट्राइव में जो बंदा अपना नेक्चर ए और नेक्चर सी फिल करेगा क्रॉस मैचिंग होगी तो इनपुट मिलेगा ठीक है इशू आ रहा है सिर्फ यूटिलिटी पे और ये ज़्यादा आ रहा है गैपको पे गैस की आद हाँ तक काफ़ी मामला हो होगी जो जो ये जो इंडिविजुअल एन है ना उन पर आ रहा है तो अथॉरिटी ने ये मैटर ऑलरेडी मैं तबारक साहब को ही बताना चाहता हूँ कि मैटर टेकअप किया हुआ है उसमें एक प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथ ही है कि ये अपने रेवेन्यू ऑफिसर अपना जो का रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न है जहाँ इन्होंने बिल जमा कराया हुआ है उसको एक एप्लीकेशन देंगे प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है लेकिन हमें डिफरेंट फोरम से ये जो उन्होंने पॉइंट रेज किया अदर कमिशन से भी पूरे पंजाब लेवल पे ये आ रही हैं ठीक है कंपनीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनीज़ में और आपके जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उनमें इशू कम है इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल एन टी एन होल्डर हैं उन, उन उनके केसेस में आ रहा है और इसको हम सॉल्व कर देंगे लेकिन अपने तौर पर भी इनसे एक हम रिक्वेस्ट है कि ये अपने सिस्टम को फीड करवाएं जका साहब मेरे पास एक एक दो मुझे मेले भी आई थी पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के जो हमें जब वो इनपुट कहते हैं तो वो कहते हैं वेरिफिकेशन करवा के कर लाए इनवाइस की तो पी आर ए में जब जाते हैं तो अफसरान वो नखरे करते हैं वो उसको वेरिफिकेशन नहीं करके देते हमें उनके लिए मसाइल खड़े देखें ऐसा ये, ये लो कोई ऐसा इशू नहीं है, है। तो जी थोड़ा सा वो जो वेरिफिकेशन वाला इशू है ना अगर आपने जिस टेक्सपेयर की जिस तरह पता है कि पी आर एपन डोर पॉलिसी पे काम कर रहा है जी जी तो उधर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आउट ऑफ रीच है ऑफिसर हमारे चेयरमैन साहब से लेके नीचे जो फील्ड ऑफिसर हैं सब के लिए ओपन डोर पॉलिसी है तो उसमें यह है कि अगर आपके जो आपने इन्वाइस वेरिफिकेशन करानी है अगर आपके जो सब सर्विस प्रोवाइडर है जिससे जी आपने सर्विस ली हुई है उसने अपने नेक्स्ट में डाला हुआ है तो वो वेरिफिकेशन हो जी जाएगी तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा जैसे जिकास साहब ने फरमाया इनका कहना अपनी जगह पर फाइक हक व लेकिन मैं थोड़ा सा इधर डिफर करूँगा कि देखें पहली बात तो ये है कि चाहे वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है मैं तो गुजरा वाला की बात कर रहा हूँ ठीक जी जी जैसे फरमा रहे हैं कि वो ठीक है उस हद तक बात इतनी है कि चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है जो भी उसका है सिलसिला उसका उसने एक जो टैक्स पे किया है वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसकी एडजस्टमेंट उसको मिलनी चाहिए जी अच्छा अब डबल टैक्सेशन मैं उसको किस तरह से ले रहा हूँ अब अगर बिजली के बिल पे लेट से मेरा लाख रुपए का बिल था सत्रह हज़ार या सोलह हज़ार मैंने पे किया हुआ है अब मेरी जो आउटपुट जो मैंने टैक्स मैंने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड पे करना है मतलब सोलह पे करना है तो जो मेरा मैंने पे किया है वो डेफ़िनेटली अगर वाबडा ने उसको फीड किया हो तो मेरा वो माइनस होना है अगर वो माइनस नहीं होना मैंने रिटर्न दाखिल करनी है तो मेरी सेल्स पे वो मुझे अगर मेरा वो इनपुट एड, इन इनमिसेबल रहा तो इनडायरेक्टली वो हुई तो डबल टैक्सेशन है ना जी, तो जी जी मतलब वही टैक्स दोबारा सेल की सूरत में देना पड़ा एक बात दूसरा जैसे जकास साहब ने फरमाया है कि आप एप्लीकेशन दें मेरी इस पर पहले भी इनसे मैं आज़रू हुआ था इनके पास ना सिर्फ मैंने हमारे और बहुत सारे दोस्तों ने ट्राई की है गैपको पे तो सर वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं आपकी मेहरबानी है ये आप अपने एंगल पे जो जी है ये चेयरमैन जो पंजाब रेवेन्यू अथार्टी है उनके नॉलेज में वजी खजाना वजे अजम साहब ले आए हैं गादरी साहब के आप मुतल अखबार में खबरें भी लगी हुई थी तो रेवन्यू की जो सूरत है वो बेहतर हो जाएगी मैशत बेहतर हो जाएगी आप क्या समझते हैं ये हमारा अज़र साहब के आने से जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं या मुशी पॉलिसीज़ हैं बेहतर हो जाएंगे सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म की का फ़ायदा उठाते हुए आ, मैं अपनी एक आवाज़ हम अजहर तक हम अजहर सब तक पहुँचाना चाहूँगा क्योंकि पहले भी हम लोग उनको ये चीज़ कन्वे कर चुके हैं देखिए पाकिस्तान की पहचान बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कॉटेज इंडस्ट्री में जी जी फिर कॉटेज इंडस्ट्री की जब बात आती है ज़ास साहब इस चीज़ को एंडोर्स करेंगे क्योंकि ये भी आजकल उधर गुजर में गुजरा वाला हब है टे इंडस्ट्री का बल्कि मैं अगर अब ये कहूँ कि था तो वो ज्यादा बेहतर होगा था, था से क्या मुरादा बंद होते जा हो तो जाने है।, है मैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब कोरोना की पिछले साल जब वेव आई अच्छा अब बुजाना में कॉटेज इंडस्ट्री का कल्चर क्या है उसमें ऐसा है जी के इंडस्ट्रियल एरिया भी कमर्शियल एरिया भी मतलब में उधर ही घर बने हुए हैं उधर ही छोटे छोटे यूनिट उन्होंने घर में ही जी जी किसी ने घर में लगाया हुआ है दो प्रेस लगा के कोई उस पर कुछ बना रहा है कोई बर्तन बना रहा है कोई वो प्लास्टिक दाने के साथ वो प्लास्टिक की कौलियाँ निकाल रहा है कोई कुछ कर रहा है मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं 2019 में कॉटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया गया पहले उसका था कि कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में वो परसन मैनुफेक्चर की वो फॉल करते थे जिनकी एक करोड़ रुपये तक या तो सालाना उनकी सेल थी जी जी या आठ लाख तक मेरा हाल आठ लाख ही था आठ लाख तक उनके यूटिलिटी बिल्स हों जिसमें बिजली गैस और टेलीफोन वगैरह के उसको चेंज कर दिया गया अब चेंज करने के बाद उसकी फॉर्म क्या आई कि जी यहाँ अगर तो चाहे किसी के पास एक मशीन लगी हुई है एक बंदा है लेकिन वो किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शल लोकेलिटी में बैठा हुआ है डैट पर्सन इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड जी एज मैनुफैक्चर उसके पास दस से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं देन ही डेट पर्सन इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स पर्पज अच्छा जी उसके उसकी जो सालाना सेल्स हैं वो तीस लाख से ज्यादा हैं तब वो उसमें आ जाता है जी के उसको पकड़ के उसमें ले आए उसमें ये अब कौन बचेगा पीछे कौन आएगा कॉटेज इंडस्ट्री में कोई भी नहीं आएगा दूसरा ये मेरे बिजली के बढ़ते हुए रेट्स हैं वो भी सबसे खतरनाक चीज़ ना कि ये सारी चीज़ें सारा करके हाँ जी इंडस्ट्रियल मीटर है कि जिसका इंडस्ट्रियल मीटर लगा है अब मेरे पास ढेरों ऐसी मिसालें हैं गुजरा वाला में कि ये सारा जब मामला बना है कोरोना का बना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव था उनकी तरफ से कि उन्होंने रिफंड्स की सूरत में ऑनलाइन करवाया जी जी उन्होंने किया मतलब जो टैक्स पेयर से उनको उन्होंने एकोमोडेट किया लेकिन यूवी साहब मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि वो जो निचले लेवल तक निचल लेवल नहीं कहना चाहिए हमारे वो जो डेली बेसिस पे भाई जो मज़दूर हैं सारा काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में सर वो जो बेनिफिट दिया गया था ना कोरोना की वजह से एक इंसेंटिवाइज़ किया गया था बड़े यूनिट्स को सर वो इंसेंटिव उनकी हद तक गवर्नमेंट की तरफ से तो एक क्लियर था विजन उनकी उन्होंने उनको कर दिया सर वो नीचे तक पासन नहीं हुआ मजीद ये कि जब आपने उसकी पॉलिसी सख्त कर दी कि हाँ जी ये ये भी काटेज से बाहर ये भी काटेज से बाहर भी और, और से भी मर गए वो भी मर गए अब इस खौफ से यकीन कीजिए कि कितने बंदे हैं कि जिन्होंने अपने जो दो दो चार चार मसला एक घर में ही है दो चार भाई एक मशीन पे पकड़ खड़ा है बाप दूसरी पे खड़ा है ऐसे दो हमारे उधर वो तुम्हारा साहब जो अब इंसेंटिव खत्म किए हैं खत्म किए हैं उनसे भी कोई असरात पड़े मैं थोड़ा सा जरा पहले इस अपनी बात को कर लूँ मेरी बिल्कुल इसको मैं अपनी ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कॉटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं सारे पाकिस्तान की चैम्बर्स को बुला लें असल साहब मेरा आप इसको सेकंड करेंगे हम नहीं कहते हम लोग देखें हम लोग बाद इनके वाली है कि हम लोग जो टैक्स पेयर्स को डिफेंड करने वाले आप लेकिन जो ट्रेड बॉडीज को इकट्ठा कर लें उनसे पूछ लें कि हाँ जी क्या थ्रेश होल्ड होना चाहिए किस पे जाके मैनुफैक्चर को सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहिए सही हम आप देखें हमारी जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं जो भी टैक्स कलेक्शन है उसको जमीनी हक़ के मुताबिक लेके आए सही कह रहे हैं उसको आईएमएफ के लिए हम फिगर्स में रखेंगे कि ये डाटा इतना आ गया जी फ्ला नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गया अब हम लोग बड़े खुश हैं जी फाइलर्स की तदाद जनाब वो छत पे जा लगी उनका क्या फायदा रेवेन्यू तो तो नहीं आना तो वो खाली रिटर्न ही जीरो पे आनी है तो सिर्फ उस हद तक है जी जी इनके डिपार्टमेंट का ये प्लस हम गिनते हैं कि इन्होंने वो तरीके से लेके चले हैं इन्होंने पोटेंशियल को टारगेट किया है जी जी और जो बेचारा छोटी को दुकान वाला उसको भी नोटिस गए हैं वो परेशान है एक तरफ कोरोना ने परेशान किया हुआ है दूसरी तरफ से सारा ये मामला है एक तो ये चीज कि कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन को मेरे आपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ इसको प्लीज रिविजिट करें ठीक है विद कंसल्टेशन ऑफ ट्रेड बॉडीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाएं हम आदर साहब उनसे कहेंगे हाँ जी बताएं क्या थ्रेश होल्ड रखें इनके लिए दूसरा मेरा हाल इसको मेरे ये भाई भी सेकंड करेंगे

जी पिछले साल आपके इतने बिल के साथ पिछले से पिछले साल या जो भी मतलब है इतनी सप्लाई थी इस साल आपकी वो सप्लाई घट के इतनी हो गई हैं ये नेगेटिव ट्रेंड है लिहाजा आप ये वो दो टैक्स फ्रॉड के एक्मिट किया आपने और ये आपका जनाब ये इतने इतना रेवन्यू आपकी तरफ निकलता है और ये सारा कुछ करेंगे खुदा का खौफ करें तो लोग बड़े इसकी रीज़न बहुत सारी आई कार्ड की हमने शर्त रख दी देखिए दो चीज़ें हैं फर्दर टैक्स है तीन uh, परसेंट है नॉर्मल टैक्स के अलावा गवर्नमेंट चार्ज कर रही है किस बात का चार्ज कर रही है जी जी इस बात का चार्ज कर रही है कि आप ऐसे बंदे को सप्लाईज कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है ओके इट मीनस यू आर पिनलाइजिंग वन पर्सन आपने पेनल्टी वसूल कर ली एक थप्पड़ लगा लिया ठीक है आप दूसरी तरफ आ जाएं सेक्शन एट वन एम है मेरा हाल जी यही है वो कहती है जी कि प्रो रेटा बेसिस पे आपने ऐसे पर्सन को जो सप्लाईज की हैं उस पर आपने जो इनपुट कंज्यूम किया है उस पर जो आपने सेल टैक्स पे किया है वो आपका ज़ाया गया यार को खुदा का खौफ करें आप लोग क्या कर रहे हैं एक तरफ से उधर से आप जो है वो ज़्यादी करें दूसरी तरफ से वो करें तीसरी तरफ से शनाख्ती कार्ड का ऐसा एक वो ये अजाब एक खड़ा किया गवर्नमेंट ने और इस वक्त जो सेल्स की एक आपको डिक्लाइन नज़र आता है ना बुक्स में उसकी बहुत बड़ी वजह वो सी एन आई सी है ठीक है सेल टैक्स की रिटर्न मैं भरूं अगर मैं उसमें सी एन एस सी नहीं भरता मेरा जो परचेज पे इनपुट है जका वो वेस्ट जाता है ठीक है ठीक है अच्छा जी सेल्स ऑन रजिस्टर वो कर रहा हूँ तीन परसेंट टैक्स है वो भी आपको पता है कि वो जो सेलर है वही पास से दे रहा होता है बाहर कोई टैक्स नहीं देता उसका ठीक है उसको वो भी ठुक गया अब जब ये शनाख्ती कार्ड की शर्त आई है यहाँ फिर मैं जाली शनाख्ती कार्ड भरूँ ज़ाहिर है वो ज़्यादा बड़ा ऑफेंस है अब हो क्या रहा है कि एक्चुअल में इस प्राइस किसी आता कई लोगों के पास स्टॉक भी पड़े हुए हैं लेकिन जिनके पास अग, अग, मतलब वो बेच चुके हुए हैं लेकिन बुक्स में वो सेल्स को बुक नहीं कर पाए वो किधर जाए तबारक तो साहब मैं ना, जी, जी जी ब्रेक बाद से बाद आपसे ये पूछूंगा आके हमारे मुल्क में हुकूमत जो दस्तावेज मैशत चाहती है नारा लगाती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा लगाती है या उनको पूरा करना है या आई एम एफ़ की शराय को पूरा करना है इन दोनों के बीच में तज़ाद कहाँ हैं वो आपसे पूछूंगा ब्रेक से बाद लेकिन ब्रेक से जाने से पहले नाजरीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन जी ज़गा जो इस वक्त करंट सिनेरियो मुल का चल रहा है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही आपको कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल विजन को और हमारे सी एम साहब की स्पेशल विजन को जी जी उनकी हदायत की तो रोशनी में चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वक्त पी आर ए पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी कोई हंड्रेड सर्विस टैक्स कलेक्ट कर रही है ठीक है और ये वाहद अथॉरिटी है जी जी वाहद अथॉरिटी है मैं रिपीट कर रहा हूँ पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी जिसने कोविड में बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम शुरू में बात कर रहे थे लीव दिया है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स रेट हमारी अंडर सर्विसेज में हम इस वक्त कोई ट्वेंटी सेवन सर्विसज है जहाँ हमने स्टैंडर्ड रेट जो सोलह परसेंट है उसको 5 उसको पाँच किया है कुछ पे दो किया है और डॉक्टर्स वगैरह जो हॉस्पिटल रखते हैं ना कि हम चाहते हैं कि इस वक्त हसन भाई ने भी बड़ा अच्छा ऑलरेडी नेगेटिव ट्रेंड पे जा रही है बड़ा अच्छा इंडस्ट्री के हवाले से अच्छा आपको बैंक अटैच का या छापे मारने का इसमें लॉ में, इस में, में प्रोविजन मौजूद है एज ए मैटर अथॉरिटी ने पिछले पूरे एक साल से जी जी पूरे एक साल से हमने कोई क्रेसिव मैय नहीं लिया ना कोई प्रॉपर्टी अटैच की है ना कोई बैंक अकाउंट अटैच किया ठीक है ओपन फोरम जो जिसको हम कंसल्टेशन कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जहाँ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है डेफिनेट इंफॉर्मेशन पे टैक्स पेयर को बुला के उसको बताया जाता है कि आपके ज़िम्मे ये टैक्स हैं ठीक है तो बजाय इसके कि हम भी तांगों हों कोसी मैर करें उसको वॉल्ट्री कम सरकारी इदारे भी हैं जो आप जो सर्विस टैक्स हैं जो आप तक जिनको आप नेट में नहीं ला सके नहीं नहीं हम, हमने बताया कि देखें जहाँ टैक्स की बात हो रही है तो हमारे भाई ने बड़ा अच्छा लेबोरेट किया हमारा जो विजन अथॉरिटी का है हम मेगा टैक्सपेयर से स्माल टैक्सपेयर की तरफ जा रहे हैं ठीक है ये नहीं कि हम मेगा टैक्सपेयर को छोड़ दें और स्मॉल को पकड़ लें जी जी तो इकानोमी और जो टैक्स पॉलिसीज हैं एडवांस कंट्रीज वो इसी बेस पे बनती हैं कि आप मेगा टैक्सपेयर से स्मार्ट टैक्सपेयर की तरफ जाएँ और चूँकि अभी हम है भी डिवीजनल लेवल पर आपका ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिवीजनल लेवल से जब हमारा नेक्स्ट फोरम आएगा जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे तो हमारी आउटरीच टैक्सपेयर तक भी बेहतर हो जाएगी जी जी टैक्स पेयर के ओवरऑल वेरी फर्स्ट डे से जो पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का विजन है मिशन है जो हमारी सीनियर मैनेजमेंट है उनकी डायरेक्शन है कि हमने टैक्स पेयर से टैक्स लेना है थ्रू कॉन्फिडेंस जी जी उनकी बोस्टिंग बु, करके और ये जो टैक्स कलेक्टर हैं ये टैक्स कलेक्टर टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट ठीक है एक ट्राइ है इनमें से एक सर्कल भी आप ब्रेक करेंगे तो ये पूरी आपका चेंज जो है वो ब्रेक होता है तो बहुत सारी है? जो चीज़ें हैं मैं तो ये कहता हूँ अक्सर ओपन पॉलिसी में हम दोस्त डिस्कस करते हैं कि इवन आपका जो जंग का बैटल भी है किसी भी जंग का वो बेटर फील्ड में डिसीजन नहीं होता हमेशा टेबल टाक जो है वो होती है जी जी तो टेबल टाक जो है वो बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जी, वो, जी, वो जी। बेस्ट आपका एक कह लेंस इन्फोर्समेंट है बिल्कुल सही है अगर ये पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी के जो मुलाजमी है इनको मुस्तकिल कर दिया जाए और स्टाफ को बढ़ा दिया जाए तो जो आज 125 अरब का टारगेट है ये 300 सौ रुपये चार सौ रुपये पहुँच सकता है जी डेफिनेटली जिस तरह हमारा चूंकि फार्मेटिव फेज में हम जा रहे हैं डेफिनेटली जो हमारे कंट्रैक्ट कंट्रेक्चुर मलाजमान हैं जिनको हमने कंट्रैक्ट पर रखा हुआ है वो रेगुलर भी होंगे इन शाला अथार्टी के ऑलरेडी ये फैसला है और जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे तो आपकी टैक्स बेस भी बढ़ेगी टैक्स रेवन्यू भी बढ़ेगा जी जी और पी आर ए की ग्रोथ जो आज तक है उसको हम अगर फोरकास्ट करें आगे पर उसी बेस पे तो डेफिनेटली आपकी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉज बढ़ते हैं जी जी और नंबर ऑफ ऑफिस बढ़ते हैं इन द पे आपकी आउटरीच ज़्यादा हो जाएगी जका साहब जिस तरह तबारक साहब फ़रमा रहे थे आप चैम्बर के साथ मिलकर एसोसिएशन के साथ मिलकर मिल मीटिंग्स करते हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो सर्विसेज के जो टैक्स हैं उनके अवेयरनेस के हवाले से कभी कोई काम नहीं किया है ने। पंजाब हुकूमत तो सुना ना कोई इश्तारात होती है ना शौरगही मुहिम है ना कोई सेमिनार्स हैं ना वर्कशॉप्स हैं उनसे भी कोई असरात मुरातब नहीं 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 इसको बिल्कुल विध ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात कोट करता हूँ जितने सेमिनार जितनी टैक्स अवेयरनेस पंजाब रेवन्यू अथार्टी ने की है किसी और रेवेन्यू अदारे ने नहीं की ठीक है हमारे टैक्स बाद के चौंके सदर बैठे हुए हैं हसन साहब बैठे हुए हैं हमने जब ये थार्टी बनाई थी तो उस वक्त हमारा ये विजन था और ये स्टिल आज तक चाहता है ठीक है हमारा अपना फेसबुक पेज है पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी का हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं जिन पे हम अपनी जो अमेंडमेंट है ला कि उसमें हम डालते रहते हैं जो हमारी इन्फोर्समेंट एक्टिविटी है उसमें डालते रहते हैं अदर देन डैट हो क्या रहा है कि हम ये कह रहे हैं कि हम डिजो टैक्स पेयर पर पे फोकस कम करते हैं मुझे इशू अगर किसी सेक्टर से है तो मैं कोशिश करूँगा कि उस सेक्टर को बुलाऊँ उसकी एसोसिएशन को बुलाऊ सेकेंड ये है कि टैक्स बार है ठीक है ट्रेड बॉडीज़ हैं आपकी ट्रेड एसोसीशन हैं वो आलमोस्ट हर सेक्टर में ठीक है उनको हम बुला टेबल टाक करते हैं और जहाँ तक अवेयरनेस की है तो हमारे अभी भी हम जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो हम समे के हफ्ते में दो दिन जो होते हैं वो फील्ड में होते हैं ठीक है वो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आन बोर्ड करके टैक्स बार को ऑनबोर्ड करके चैम्बर्स को ऑनबोर्ड करके हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं जहां हम जाके अपना जो है उनको लोगों को अवेयरनेस दे मेरे लम्बे थोड़ा सा है जब प्यारे बना था उस वक्त से आप उसके साथ मौजूद हैं जिस तरह एस आर बी करता है साल के आखिर में एक स्कीम अनाउंस करता है भैया अपना टैक्स इतना दे दें बाकी जुर्माने सब कुछ माफ़ कभी प्यारे ने भी किया है असल में देखें एज ए वो एक आपका रेवेन्यू टूल होता है जी जी उसमें ये नहीं होता कि आप रेवेन्यू सारे का सारा वेवर का कार्य होते हैं उसमें होता है कि आपका जो ड्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किसी की डिमांड निकाली हुई है जी जी उसमें एडिशनल टैक्स और की ठीक है वो एसआरबी भी, भी ये करता है और पी आर ए ने भी किया है ठीक है वो विद कंसेंट ऑफ आपकी जो गवर्नमेंट है जी जी उसकी कंसेंट के साथ हम सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसकी वेबर कम ही होती है कलेक्टर एज ए टैक्स कलेक्टर आप क्या समझना को भी आप देखते हैं पी आर ए सबको आपको इलाम है जिस तरह

एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीक है उसमें जो ऑलरेडी लोग टैक्स गुजार हैं आपके जी जी। जो आपके दो साल से चार साल से पाँच साल से जिनकी टैक्स हिस्ट्री उनकी दिल आज़ारी है उनकी दिल आज़ारी होती है जी जी लेकिन जो टैक्स नेट में नहीं आते मसला तो वो भी तो हुकूमत के नुकसान है वो भी डिपार्टमेंट के नुकसान है हसनक्री साहब आप समझते हैं कोई जिस तरह एफ बी आर एम हुकूमत वफाक देता है क्योंकि अगर वफाक सारे टैक्स लेके एमनेस्टी भी देता है पी आर ए को एमनेस्टी दे सकता है हुकूमत दे सकती है ताकि वो जो लोग टैक्स नेट में नहीं वो भी आ जाए, उनसे पूछा नाती तौर पर यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा जैसे जका साहब ने कहा ना देखें प्रॉब्लम ये है कि एमनेस्टी नहीं होनी चाहिए आपको टैक्स अनाउंस करनी चाहिए आप ऐसा इंसेंटिव दें जिससे टैक्स फिर इंकारेज हो रजिस्टर होने के लिए मामला इस तरह के हों और दूसरी बात ये देखिए एमनेस्टी जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है एमनेस्टी जितनी भी एमनेस्टीज आई हैं अब तक अगर आप स्टडी करें तो प्रॉब्लम क्या है कि जो लोग टैक्स चोरी करते रहे हैं टैक्स अवॉइड करते रहे, उनको आपने एक ओपन विंडो दी कि जी आएँ और अपने आप को शफाफ़ कर लें लेकिन उससे ये रिज़ल्ट नहीं आया कि आपकी टैक्स बेस बढ़ गई देखें असल में मसला ये है देखें एक चीज़ होती है मिशन आपका मिशन ये होना चाहिए कि आपकी टैक्स बेस इनहैंस हो आपके जो टैक्स पेयर हैं मैं फाइलर्स की बात नहीं कर रहा मैं तबारक भाई की बात को रिपीट करूंगा यहाँ फाइलर्स की बात नहीं हो रही बस कर दें फाइलर्स का झंडा ना खड़ा करेंगे चार मिलियन हो गए पांच मिलियन हो गए ना अब जैसे इम्पोर्टर के लिए आपने कर दिया जी मिनिमम टैक्स है जब आप नॉर्मल की तरफ नहीं जा सकते तो उसको फाइनल में रहने देते ये आपकी ज्यादा है एक आपने बहुत बड़ा जुल्म किया एक टैक्सपेयर ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहा है उसके लिए आप मामला मुश्किल करते जा रहे हैं और देखें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एमनेस्टी करनी है या जो भी करना है आपने आपका मिशन ये होना चाहिए कि टैक्स बेस बढ़ा दें देखें उनकी जो परफॉर्मेंस है फिगर्स में मैं मदद के साथ ये कहना चाहूँगा मेरे लिए ज़का साहब की ज़्यादा बड़ी परफॉर्मेंस ये है कि 500 के बजाय आज उनके पाँच हज़ार टैक्स जा पेयर हैं और वो तो भी रेगुलर करते हैं मेरी परफॉर्मेंस में फाइनेंशियल रिजल्ट्स की परफॉर्मेंस को नहीं मैं समझता जी 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 और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि जो आपने सवाल किया कि जी तीन हज़ार मिलियन तक चला जाएगा चार हज़ार मिलियन तक देखिए अगर तो टारगेट तीन हज़ार चार हज़ार मिलियन तक जाएगा टैक्सपेयर एग्जिस्टिंग को स्क्वीज़ करके तो वो परफॉर्मेंस नहीं होगी हाँ पाँच हज़ार टैक्सपेयर ये माशाल्लाह अगर ले जाते हैं पचास हज़ार तक या एक लाख तक तो वो डेफिनेटली एक बड़ी परफॉर्मेंस होगी और देखें आप इस चीज़ को समझें के नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर को एक के पी आई हम क्या क्या के रो रो कि जनाब आप नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स बढ़ाएँ टैक्स पेयर्स नॉट टैक्स फाइलर्स तो इस चीज़ को समझें और दूसरी बात जो एक बड़ी अहम है यहाँ पे तबारक भाई की कन्वर्सेशन से मैंने ली वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जी नेगेटिव ट्रेंड का जो नोटिस हो रहा है उसके वाले से मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा कि देखें आप नेगेटिव ट्रेंड देखें इस साल तो ये होना चाहिए था कि फिगर्स की वेरिएशन की वजह से आपको ऑडिट ओपन ही नहीं करना चाहिए सारी दुनिया जानती है कि वर्ल्ड वाइड इकॉनमी जो है वो इस वक्त डूब रही है कोरोना की वजह से नेगेटिव ट्रेंड पे पूरी इकॉनमी जा रही है और आप नेगेटिव ट्रेंड के नोटिस दे रहे हैं ये कोई लॉजिक है और नोटिस में वो जिनकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो भी ला से हटके है बिल्कुल जब वो जब जाएंगे कोर्ट में जाएंगे केस जीरो पे आ जाएंगे देखिए यूरी साहब मैंने कई दफ़ा अर्ज की है कि देखें जो कम्प्लाइंस है ना कम्प्लाइंस इज वन पार्ट ऑफ द बिजनेस कम्प्लाइंस इज नॉट बिजनेस पी आर ए की पॉलिसीज टैक्स पॉलिसीज या एफ की टैक्स पॉलिसीज़ इनमें आपको कोई तजाद नज़र आता है या कौन सी बेहतर है पी आर ए की बेहतर हैं जो इनको लॉन्ग टर्म जिस तरह वो चल रहे हैं अपने टैक्स पेयर को क्लाइंट्स को लेकर ये बेहतरी की तरफ कदम है या एफ बी आर की तरफ से आप समझते हैं वो कदम होगा देखिए मैं झातीी तौर पर समझता हूँ कि देखें जैसे पी आर ए चल रहा है उनकी पॉलिसीज़ एक सस्टेनेबल ग्रोथ की पॉलिसीज़ है ठीक है ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ में बड़ा फ़र्क होता है एक होती रैपिड ग्रोथ एफ़ बी आर रैपिड ग्रोथ की तरफ जा रहा है एफ बी आर हर साल अपने बजट्स जो रखता है उसको रिवाइज भी करता है जका साहब एग्री करेंगे कि पी आर ए जो बजट रखता है उसको रिवाइज नहीं करता उसको अचीव करता है ये इनकी सबसे बड़ी सख्ता है कि बजट रख के उसको अचीव किया जाए एफ बी आर का सबसे बड़ा मसला क्या है कि एफ बी आर करंट टेक्सफेयर को स्क्वीज करता है उन्हीं से पैसे लिए जाते हैं माड़ धाड़ होती है सारा कुछ होता है और उसमें सबसे अहम मसला ये है कि देखें बात ये है कि आपने सेल टैक्स के रेट बढ़ाए थे अब आप कह रहे हैं कि एग्जामेशन हम खत्म कर देंगे आप डेली अखबारों में देख रहे हैं जी, जी एग्जामेशन खत्म कर देंगे आप ये नोटिस क्यों नहीं डालते कि जनाब हम जो है अब आप मुझे बताएं कि जो इन्होंने थम इम्प्रेशन के साथ इन्होंने सबसे बैंक अकाउंट्स भी करवाए फिर मोबाइल्स में भी करवाईं तो जनाब हजूरे वाला सारी इन्फॉमेसन तो आपके पास है बैंक अकाउंट्स की तो एक्सेस आपके पास है तो हमें क्यों कहते हैं जनाब मुझे प्रोफाइल भी अपडेट करें प्रोफाइल भी अपडेट करें की मीटिंग हुई बड़ी मदह खेस बात है जिसमें एफ बी आर के अंदर टैक्स बार के हमारे एक सबक सदर को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि जी सर आप हमें हेल्प आउट करेंगे टैक्स पेयर्स कहाँ हैं तो हम क्या हेल्प आउट करें इंफॉर्मेशन तो जनाब आपके पास है और सबसे बड़ी बात है कि देखें आप क्यों नोटिस नहीं डालते आपकी विल नहीं है यू डोंट हैव द विल टू डू दिट जब आपकी विल होगी टेक्स पेस ब्रॉडन करने की तब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे और हमद अदर साहब के लिए भी मेरा ये मैसेज होगा कि बड़े वाइब्रेंट वो लीडर हैं उन्होंने बड़ी चीज़ें अच्छी भी की हैं और वो बात और, इस चीज़ को समझते हैं, है को समझते हैं। नो डाउट मेरी उनसे जितनी भी डिस्कशन हुई हैं पहले तो बात है देखें उनको ये समझना पड़ेगा कि सर आप जो है ना सिर्फ एक काम कर लें मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा और ये जो मैं आप कह रहा हूँ ना एफ बी आर और मादर साहब के लिए कह रहा हूँ कि आप एक साल जो है ना सिर्फ टैक्स ब्रॉडनिंग को अपना मिशन बना लें जैसे वगैरह हर चीज को क्लोज कर सब कुछ खत्म कर पूरे हो जाएंगे लेंगे के सारे टारगेट ना सिर्फ पूरे होंगे बल्कि आप टारगेट से एक्सीड कर देंगे बिल्कुल तो सही है तबारक साहब एक मिनट है सर क्या तजवीज़ हैं पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी की परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर और मजीद बनाया जा सकता है उनके जो रेवन्यू टारगेट्स हैं वो किस तरह आसानी से बासानी तरीके से पूरे हो सकते हैं देखिए माशा ये तो अपने जो जैसे चल रहे हैं जैसे उन्होंने कहा मैं अभी जो एंड पे जो क्लोजिंग रिमार्क्स से मेरे भाई के। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब और आपके गुजरात टैक्स बार पहले बहुत सेमिनार्स कोई वर्कशॉप करवाते थे अभी ऐसे जारी हैं जी इनशाला हम लोग सिर्फ कोविड की वजह से क्योंकि हम लोग तो अभी जस्ट टेक टेक ओवर किया सारा इसको इन शाला इसको हम जो है ये सारा एजुकेशन सेमिनार वगैरह का सिलसिला सारा कुछ इन साथ लेके चलेंगे और ज़कास साहब हमारे लिए उधर ब्लैसिंग जैसे हैं हैं क्योंकि करते जी जी उसमें और जैसे उन्होंने कहा मैं इन्हीं की बात को मैं इंडोर्स करूंगा सेकंड करूंगा कि एक साल के लिए खुदा मारदार छोड़ दें जी जी बैंक अटैच ये आर्डर अभी आप बात कर रहे थे ना जकास साहब से जी जी एक जी। तो आ, इनके आपने इनसे पूछा कि मतलब जी आप मतलब एजुकेशन या मतलब लोगों आगाही के लिए क्या करते हैं जी मेरा ख्याल है कि दो या तीन सेशन तो ऐसे हैं मेरा ख्याल है सर के इस वक्त जेहन में नहीं है डिबेट्स करवाई पी ने जी जी क्योंकि मैं उसमें था वो जज था मुझे इसलिए याद है ये चूँकि जनाब साहब बंदे हैं ऊपर बैठे हुए जिनको शायद इनसे निकल गया हो उसके अलावा वॉक होती रही हैं कॉलेज़ में यूनिवर्सिटीज़ में जी जी उसका टॉपिक भी ये था मुझे आज तक याद है कि जी वाई वी शुड पे वाई वी शुड पे टैक्स जी जी पंजाब का टैक्स जो सारा जो पी आर ए की अगर वो देखें तो मैं इसको मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इनके सारे सेटअप से और एक चीज़ अर्ज करूँगा आपने मुझसे एक सवाल किया था कि जी नेक्स्ट इस पर क्या होना चाहिए किस तरह से है जो एक पैटर्न देखिए बात जिसकी भी अच्छी हो उसको अडॉप्ट करना चाहिए करना चाहिए आ, कोई भी अच्छी जो बात है ना वो मोमिन का गुमशुदा ख़जाना है जहाँ से मोती मिले बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको उठा लें जी जी जो एक पैटर्न इन्होंने रखा कुतब नहीं है इफ्तार कुतुब साहब ने या उनके जितने भी आते रहे आप भी अब ऐसा करें ब्रॉड हाँ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस कैसे करनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह को साथ लें स्टेक होल्डर्स हैं जब तक आप टैक्स पेयर को

आए हमारे बाजू बने हमारा साथ जी जी छापा नहीं होगा कोई बैंक डैश नहीं होगा कुछ नहीं होगा और इन शाह ये ये बड़ी जरूरी है कि देखें आप ये भी चीज़ नोट करें कि आपके लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब जैन साही साहब आए हैं उन्होंने बज़ाते ख़ुद चैंबर के लोगों को एड्रेस किया है तो मेरा यहाँ पे एफ बी आर वालों के लिए सवाल ये है कि सर आपके लोग क्यों नहीं आ सकते उनको ममानियत है

बिल्कुल जल्द दीजिए